तो मैं हूँ सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर मेरे YouTube चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इसरो की। इसरो की बात करता हूँ तो ये इसकी स्थापना 1969 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो बने वो थे विक्रम साराभाई। इनकी 2 साल के बाद मृत्यु हो गई 1971 में, आकस्मिक मृत्यु कहा जाए तो। उसके बाद दूसरे अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो थे सतीश धवन के नेतृत्व में पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, ये जो छोड़ा गया इसका स्टेशन था कॉस्मोड्रोन के माध्यम से छोड़ा गया, जो रूस से छोड़ा गया। ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अगर पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित उपग्रह की बात की जाए वो तो रोहिणी थी। इसरो की 12 संस्थाएं हैं, इसरो की 12 संस्थाएं हैं जिनका वर्णन मैं मुख्य मुख्य कर रहा हूँ। लेकिन भारत में इसरो की मुख्य संस्थाएं कहा जाए तो वो 12 हैं, लेकिन मुख्य संस्थाएं जो हैं वो 6 हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, प्रथम केंद्र की बात की जाए तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर उपग्रह छोड़ने के लिए रॉकेट बनाए जाते हैं। रॉकेट कहाँ बनाए जाते हैं? ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं। रॉकेट उपग्रह को छोड़ने के लिए रॉकेट बनाए जाते हैं। अगर बात की जाए रॉकेट के माध्यम से यह उपग्रह जहाँ जहाँ छोड़ा जाता है, आप सुने होंगे PSLV, GSLV, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइजेशन सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका पूरा नाम है। अगर बात की जाए कि PSLV किधर कार्य करता है, उपग्रह मतलब उपग्रह कहाँ ले जाता है, तो ये अलग अलग दोनों के कार्य हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं आपकी अर्थ है, अर्थ में अगर ध्रुवों में छोड़ने की बात की जाए उपग्रह, तो वो PSLV से छोड़ा जाता है। अगर बात की जाए कि पूर्व और पश्चिम, मतलब आपकी दिशाएं पूर्व और पश्चिम, जो कि भू स्थिर सेटेलाइट के बारे में सुने होंगे, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ज़्यादातर GSLV का ही उपयोग किया जाता है। GSLV आपके पूर्व और पश्चिम की दिशा में छोड़े जाते हैं। ध्रुवों में अगर बात की जाए तो वो आपके PSLV से छोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं, GSLV के बारे में बताते हैं आपको। GSLV में 3 इंजन लगे होते हैं, जो अंतिम इंजन का नाम अगर बात की जाए तो वो इंजन क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आप सुने होंगे, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस के ताप पर कार्य करता है। अगर ईंधन की बात की जाए इस क्रायोजेनिक इंजन में द्रव प्लस ऑक्सीजन ये दोनों प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं इसमें। इस इंजन को बनाने में विश्व का भारत में स्थान जो है वो छठा है, छठे स्थान पर क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत सक्षम हो गया है। अगर दूसरे सेंटर की बात की जाए तो वो पिन्या है, पिन्या जो कि बंगलौर में है। यहाँ पर उपग्रह बनाए जाते हैं। आपको मैंने पीछे बताया था कि वो जो तिरुवनंतपुरम केरल में है वहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं जो उपग्रह को छोड़ने के लिए। यहाँ पिन्या में बंगलौर में क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पर उपग्रह बनाए जाते हैं। तीसरे सेंटर की बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसमें मतलब प्रयोग हमेशा चलते रहते हैं। तो उपग्रह की डिजाइन, अनुप्रयोग मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उपग्रह की डिजाइन बनाई जाती है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। ये कि भारतीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पर क्या कार्य होता है, यहाँ पर डिजाइन उपग्रह की डिजाइन बनाई जाती है, नई नई डिजाइन डेवलप की जाती हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपका वीडियो अब पार्ट 1 था। अब अगला वीडियो बनाऊंगा मैं पार्ट 2, जो कि उपग्रह के और भी रोचक तथ्य मैं लेकर आऊंगा, मतलब इसरो के रोचक तथ्य लेकर आऊंगा, जो उपग्रह के बारे में बताएंगे कि उपग्रह कैसे वहाँ पर चलते हैं या वहाँ पर कैसे सेट किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ तो दोस्तों, थैंक यू।